YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी वाला में आज हम बात करने वाले हैं गीजर की, बात करेंगे कि गीजर क्या होता है, इसका यूज कहां पर होता है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, क्या उपकरण लगे होते हैं, पूरी बात आज हम लोग बात करेंगे, गीजर रिपेयर करेंगे और पूरा देखेंगे इक्विपमेंट कैसा लगता है वो देखने में, बिल्कुल देखेंगे सिंपल तरीके से। और इसको खोलने के पहले मैं अपने चैनल को बोलूँगा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों के पास मेरे आने वाले न्यू वीडियो आते रहें, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोग से बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे इसे खोलने के पहले हमारे पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए। पहला टूल्स हमारे पास होना चाहिए स्पैनर होना चाहिए, और दूसरा टूल्स हमारे पास मल्टीप्लायर होना चाहिए, मल्टीप्लायर ये है, और तीसरा हमारे पास होना चाहिए ये स्क्रू ड्राइवर है जो कि 903 का है, नंबर वाइज होते हैं 903 इसका नंबर है, और ये मेरे पास है, ये छोटा है स्क्रू ड्राइवर, छोटा है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं बिल्कुल इस गीजर को हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे इसको खोल करके, इस कंपोनेंट को इसको हम हटाएंगे, ये इसको इस पूरे पार्ट्स को मैं हटा रहा हूँ, इस पूरे पार्ट्स को हम लोग दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं। ये इसकी पूरी वायरिंग है, ये यहाँ पे ये पावर इंडिकेटर है, ये पावर इंडिकेटर आप देख रहे हैं जिससे क्या करते हैं हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितनी पावर हमें देनी है, टेम्परेचर धीमा करना है कि तेज करना है। और दूसरा हमारे यहाँ पे लगा हुआ है ये जिसको बोलते हैं हीटिंग इंडिकेटर, ये हीटिंग इंडिकेटर है, ये क्या करता है हीट को सेट करता है कि कितना हीट हमें प्रोड्यूस करना है, ये हीटिंग सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद ये हमारे आप देख रहे हैं ये इनलेट पार्ट है जहाँ पर से हम लोग पानी भेजते हैं अंदर की ओर, ये इनलेट पार्ट है, और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं आउटलेट पार्ट जिससे पानी बाहर, गर्म पानी बाहर की ओर आता है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स को हम पूरा खोल लेंगे, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आज हम देखेंगे कि इस पूरे पार्ट्स को खोल कर देखेंगे, लगा हुआ है मैं इसको खोल ले रहा हूँ, ये देखिए इसके अंदर जो है क्या क्या पार्ट्स हैं। ये जो है मैंने इसको पहले से थोड़ा सा खोल लिया था, ये इसके स्क्रू लगे हुए थे इसके अंदर, वो मैंने निकाल के रख दिए जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है। और ये इसकी वायरिंग थी, वायरिंग मैं समझा दिया हूँ अभी आपको। इसके बाद ये देखिए इसका मेन पार्ट्स ये है, ये आपके गीज़र का मेन पार्ट्स है, मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दे रहा हूँ कि गीज़र कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कैसा इनलेट पार्ट है, पूरा दिखाएंगे यहाँ पे। अगर आप देख रहे हो कि इसके देखिए ये जो आपका आउटलेट पार्ट है इसकी राड लंबी हुई है, इसकी जो राड है अगर आप देख रहे हैं अंदर इसकी राड लंबी हुई है, और ये जो आपका यहाँ पे इनलेट पार्ट है इसकी देखिए राड बिल्कुल छोटी सी लगी हुई है, अंदर की ओर है बिल्कुल छोटी है, यहाँ से पानी इन होता है, आउटलेट की राड बड़ी है ताकि उसका पानी यहाँ गर्म पानी इसी के द्वारा बाहर जाता है। और इसके अंदर जो लेयर लगी हुई है ये कॉपर की लेयर लगी हुई है जो कि पानी को हीट जल्दी करता है, कम समय में हीट करने का काम करता है, इसलिए इसे कॉपर की लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देख रहे हैं, कोई कठिन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद मैं गीज़र को ऐसे रख दे रहा हूँ, और इसके यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि ये देखिए ये हमारा पे ये ग्लेस इंसुलेशन यहाँ पे किया गया है, ग्लेस ऊन इंसुलेशन है जो कि कांच का ऊन होता है, ये वाला अगर आप देख रहे हैं पीला पीला, ये वही चीज़ है जो कि कांच ऊन का बना होता है। ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि जो टैंक, ये वाटर टैंक और ये बॉडी, इसके बीच में इसको किया जाता है ताकि जो हमारा पानी है जो हीट हो चुका है वो पानी क्या हो, हीट बाहर की ओर ना जा सके, काफ़ी लंबे समय तक हमारा पानी क्या हो, हीट बना रहे, इसलिए हम ग्लेस वुड इंसुलेशन का उपयोग यहाँ पे करते हैं। ये वही चीज़ है जो पानी को लंबे समय तक गर्म रखने का काम करता है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ कि इसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं जो हमारे हीट करते हैं उसके बारे में हम बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इस वाली राड को, ये देखिए ये राड यहाँ पर जा रही है, ये राड यहाँ से आ रही है, ये भी राड इधर से जा रही है, दूसरी राड इधर से आ रही है, ये पूरी की पूरी एक ही राड है, ये पूरी की पूरी एक ही राड है। एक तरफ से यहाँ पे फेस दिया गया है, ये हमारा फेस की लाइन गई हुई है, ये पूरी फेस गया है, और जो दूसरी लाइन है यहाँ पे न्यूट्रल आया हुआ है,
यहाँ पे एक फेस की लाइन है, दूसरी न्यूट्रल की लाइन यहाँ पे आई हुई है। ये बात क्लियर है? अगर आप यहाँ पे कनेक्शन भी देख रहे हैं, कनेक्शन में मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे फेस गया हुआ है, ये देखिए रेड कलर का, और यहाँ पे आने के बाद ये दूसरी लाइन जो आई यहाँ पे न्यूट्रल इसको दिया गया है, इस वजह से ये हीट होती है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि इसके अंदर जो वायर लगी होती है, इसके अंदर जो वायर लगी होती है वो नाइक्रोम की वायर होती है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। जो आपके घरों में हीटर लगे होते हैं तो हीटर पे जो वायर लगी होती है वो नाइक्रोम की होती है, वो भी हीट प्रोड्यूस करने का काम करती है। और इसके ऊपर जो बेटा लेयर चढ़ाई जाती है, ये अगर आप लेयर देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक हो गई है, ये वाली लेयर, ये कापर की लेयर है, ये जो लेयर है जिसके अंदर है ये कापर की लेयर है, ठीक है। यहाँ पर कापर का पाइप चढ़ा दिया जाता है, उसके अंदर नाइक्रोम की वायर होती है। ये बात क्लियर हो गई? और अगर आप देख रहे हैं ये दो यहाँ पे हैं थर्मोस्टेट, जिसको आप बोलते हैं, एक थर्मोस्टेट ये है और दूसरा थर्मोस्टेट ये है, ये देख रहे हैं लंबी वाली, ये थर्मोस्टेट है और एक थर्मोस्टेट, यहाँ पे दो थर्मोस्टेट हैं। थर्मोस्टेट का यूज़ हम लोग इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, पानी हमारा हीट होता रहता है, हीट होता रहता है, अचानक से ब्लास्ट ना होने पाए, उस हीट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। वो हमारा जो पानी है वो हीट ना होने पाए उसको एक सेट कर देते हैं एक टेम्परेचर पे, ताकि उसी टेम्परेचर पे क्या रहेगा, उसी टेम्परेचर पे पानी हमारा गर्म होगा और हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो सेफ रहेंगे। ये बात क्लियर हो गई? इसलिए हम लोग यहाँ पे थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अर्थिंग के लिए बनाया गया है, ताकि अगर यहाँ पे अर्थिंग ना उतरे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पानी होता है, पानी में हम लोग जब सप्लाई कोई भी देते हैं तो वहाँ पे करंट भी उतर सकता है, तो करंट बाहर की ओर ना जा सके, इसलिए यहाँ पे अर्थिंग कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये अर्थिंग की गई है यहाँ पे, और अर्थिंग का यहाँ पे पाइप भी हम लोग निकाले हैं, जो कि आप देख रहे हैं, ये नीले का पीले येलो कलर का, अगर आप देख रहे हैं ये येलो कलर में इसको अर्थिंग की गई है, इसका कनेक्शन मैं दिखा दूंगा। ये कनेक्शन यहाँ पे किया गया था, ये अर्थिंग के लिए किया गया है, ताकि अर्थिंग क्या हो, किसी को ना लगे, ठीक है, वो नीचे भूमि में विसर्जित हो जाए, इस वजह से यहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन अलग कर दिया गया है। इतने हमारे कंपोनेंट इसके अंदर लगे हुए थे, ऐसे करके देखिए गीजर के अंदर ऐसे करके लगाया जाता है इसे। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों ने देख लिया है। और इसको बांधने का तरीका भी बेटा यही है कि ऐसे हम लोगों ने कंपोनेंट्स को रख दिया है, इस कंपोनेंट को ऐसे करके, अब इस कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, सभी को गीज़र को ऐसे कर देंगे। ये देखिए गीज़र हमारा ऐसे हो गया है, हमने इसको सेट कर दिया, इस पार्ट को पूरे को यहाँ पे सेट करने के बाद, इस पार्ट को मैंने सेट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे सेट कर देंगे, और इतने पार्ट्स हमारे गीज़र पे लगे होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हैं, कोई कठिन नहीं है। ये देख कर दिया है, और ये स्क्रू हैं, इन स्क्रू को हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर लगा देंगे। अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये फेस आया हुआ है और ये न्यूट्रल आया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ये वायर है, यहाँ पे यहाँ पे सप्लाई दी जाती है 220 वोल्टेज, यहाँ पे सप्लाई दी जाती है 220-230 वोल्टेज दी जाती है इस सप्लाई में, ठीक है। और ये जो हमारा है ये 2000 वाट का हमारा है, 2000 वाट का हमारा यहाँ पे दिया गया है ये जो गीजर है, ठीक है। ये फेस यहाँ पे आया हुआ है, ये फेस है, और ये ब्लैक कलर का ये न्यूट्रल यहाँ पे दिया गया है, और न्यूट्रल है, और इसे अर्थिंग के लिए हम लोग किए हैं यहाँ पे। यहाँ पे फेस वाले को हम लोग इसके साथ देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ये मैं इसको, ये देखिए यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ये फेस के लिए, इसलिए हम यहाँ पे रेड कलर की वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, और इसकी ब्लैक कलर की वायर को इसकी जो ब्लैक कलर की वायर इसके न्यूट्रल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इस समय हमारा जो है कनेक्शन बिल्कुल सही हो गया है, और यहाँ पर ये देखिए बल्ब लगे हुए हैं, ये बल्ब लगे हुए हैं, और ये जो पीली कलर की वायर है इसे हम लोग अर्थिंग करते हैं, जो कि यहाँ पर लगाते हैं। ये देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर अर्थिंग के लिए लगा दे रहा हूँ, अभी हम इसे सेट करेंगे। ये देखिए ये बोल्ट है, इस बोल्ट को मैं क्या करूँगा, इसके साथ कनेक्शन कर दे रहा हूँ। लगा दूंगा, ये देखिए यहाँ पे इसे कनेक्शन किया जाता है, ताकि इसकी जो है अर्थिंग किसी को ना लगे, ये वायर इसी के साथ कनेक्ट होती है। ये बात क्लियर हो गई? और जितने भी हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये सब सर्किट को मैंने कंप्लीट किया यहाँ पे। और ये देखिए ये दोनों बल्ब लगे हुए हैं, एक बल्ब हमारा यहाँ पे ग्रीन है और एक रेड है,
ग्रीन बल्ब जब आप स्टार्ट करते हो उस समय हमारा वो रेड कलर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारा रेड हो जाएगा, और जिस समय हमारा पूरा गीजर गया है जो अंदर के पानी हमारा जब हीट हो जाएगा पूरा उसके दौरान ये क्या होगा, ये ग्रीन कलर का जलने लगेगा और हमें पता ये चल जाएगा कि हमारा जो पानी है वो क्या हो गया, गर्म हो गया है। हमारे इतने ही थे जो हमारा गीज़र था, पूरा गीज़र मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर दिया है बिल्कुल सिंपल तरीके से, और कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से चीज़ों को देखेगा फाइनल। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकता है। ओके, थैंक्स।